जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं अंजलि नारायण नवद्य में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं आम के कलाकंद, तो आइए शुरुआत करते हैं। आम के कलाकंद बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फ्राइंग पैन लेंगे। इसमें हम डाल रहे हैं 2 चम्मच घी। घी हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 कप दूध। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2/3 मिल्क पाउडर। 1/4 कप हम इसमें डाल रहे हैं शक्कर। शक्कर की मात्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे और धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए, दूध में उबाल आने लगा है। 200 ग्राम हम इसमें पनीर डाल रहे हैं। पनीर को हमने ग्रेट कर लिया है। एक कप हम इसमें डाल रहे हैं मलाई। एक कप हम इसमें डाल रहे हैं 1 आम का पल। हमने आम को अच्छे से धोकर इसके छिलके हटाकर और इसे अच्छे से बारीक पीस लिया है, इसे भी हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, हमने इन सभी को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसे 8 से 10 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे जिससे अच्छे से गाढ़ा हो जाए। आप बीच बीच में इसे चलाते रहें, नहीं तो ये कढ़ाई में चिपक सकता है। हमें इसे पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए, ये गाढ़ा होने लगा है। लेकिन अभी हमें इसे और पकाना है। अब ये गाढ़ा होने लगा है तो अब हमें इसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये तली में चिपक सकता है। इसकी फ्लेम को हमें लो रखना है और इसे लगातार चलाते रहना है। इंस्टेंट मैंगो कलाकंद को पकाने में हमें कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे। इसे हम इंस्टेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी जो बनाने की प्रोसेस है उसको थोड़ा सा हमने कम किया है। इसमें जब दूध गाढ़ा करते हैं उस प्रोसेस को हमने हटा दिया है और उसकी जगह हमने मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। और जब हम दूध को फाड़ते हैं और उस जगह हमने पनीर का यूज़ किया है। बाकी पकाने का जो समय है वो वही है और इसका जो टेस्ट है वो भी बिल्कुल सेम है। बस हमने इसके गाढ़ा करने के प्रोसेस को थोड़ा सा कम किया है। आप चाहें तो इसे दूध के साथ भी बना सकते हैं। बस जितनी भी क्वांटिटी में हम दूध ले रहे हैं उसको आपको 1/4 होने तक रिड्यूस करना है और 1/2 चम्मच नींबू का रस डाल के उसको थोड़ा सा फाड़ना है, जिससे कि जो कलाकंद है वो दानेदार बने। बाकी प्रोसेस सेम रहेगी। ये देखिए, मिक्सर और भी गाढ़ा होने लगा है। हमें इसे पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए, इसने कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं इलायची पाउडर। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, मिक्सर जो है वो अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और इलायची पाउडर को भी हमने मिला लिया है। अब हम गैस बंद करेंगे। अब हम इस तरह से एक ट्रे लेंगे, आप चाहें तो कोई भी थाली ले सकते हैं। इसे हमने घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें इस मिक्सर को डाल देंगे। और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। ये
ये देखिए हमने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे ही रखेंगे जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। 5 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए कलाकंद भी अच्छे से सेट हो चुका है। आइए इसके पीसेस कट कर लेते हैं। ये देखिए कलाकंद के पीसेस को हमने कट कर लिया है। ये देखिए दानेदार कलाकंद बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनकर तैयार है। अब हम इन्हें बारीक कटे हुए पिस्ता से गार्निश करेंगे। ये देखिए आम के कलाकंद बनकर तैयार हैं। अब हम इस पर रखते हैं तुलसी का पत्ता, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का भोग बिना तुलसी के नहीं लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।